तो दोस्तों बिहार डीलेड 2022 स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अभी वीडियो लेकर लगभग 2 महीने बाद आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बिजी था, इसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा बिहार बीएड, बिहार डीलेड, और ख़ास तौर से 2023 में जो होने वाली है बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिहार डीलेड का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि क्लास भी और सारा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मैं आपको दूंगा। तो प्लीज़ अब आप सभी लोग मेरे चैनल से बने रहिए। तो यहां पर खास और से डिलीट के लिए मैं आप सभी को बताने आ चुका हूं कि स्पोर्ट रन है जो चालू हो चुकी है, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे करना होगा, आपको मैं वो बातें बताऊंगा। और यहां पे आपको डेट एडमिशन मिलेगी, अगर आप मेरे द्वारा भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन का ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी। इसी से रिलेटेड सारी बातें बताने आ चुका हूं, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो ऑफिशियल जारी किया गया नोटिस, जहां पे पूरा डिटेल्स बताया गया है स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड। तो यहाँ तो चलिए दोस्तों, स्पोर्ट राउंड को जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का जो सेशन है लगभग खत्म होने वाली है एडमिशन का प्रोसेस। तो अगर आपको इस बार एडमिशन नहीं मिल पाती है तो आप सभी लोग तैयारी कीजिएगा अगले साल यानी कि 2023 के लिए। तो 2023 के लिए जो बेस्ट बुक कौन सा होगा उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों बिहार डीलेट सेशन 2023 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो बुक है आपका नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार जारी किया गया है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ मिलेगी। इसमें 2 साल का पेपर, आपका सोलर पेपर मिलेगा, 3000 से ज़्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। उसके बाद यह जो पुस्तक है आपका हर हाल में अदर पब्लिकेशन से बेस्ट है, इनको परचेज कर सकते हैं आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप देख सकते हैं स्पॉट एडमिशन का अवसर आपको दिया जा रहा है, जो आपका 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगी। अब विद्यार्थी जो स्पोर्ट नामांकन के तहत ले सकते हैं नामांकन, उन कौन कौन ले सकता है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किए गया है, यानी कि जो लोग काउंसलिंग किए हैं लेकिन उनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन सूची में आवंटित स्थान में चयनित होने के बाद भी वो नामांकन नहीं लिए हैं, तो वो भी कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का जो प्रोसेस है पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको बताया गया है यहाँ पर, तो इसका मैं डिटेल से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं बिहार डीलेट स्पोर्ट रन के थ्रू एडमिशन प्राप्त करना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली जो रियल कॉलेज होती है, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी फर्जी नहीं होगी, आपका जो फी होगा वो रियल लिया जाएगा। हाँ, थोड़ा इस बार का जो फी है थोड़ा सा ज़्यादा करके सभी कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन उसी फी के अंदर आपका सारा चीज़, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम फॉर्म, प्रैक्टिकल फी, उसके बाद सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं एडमिशन प्राप्त करना तो आपको मेरे स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डेट आप इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। मैं फ्री होकर आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, तो जितना जल्दी हो सके मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो सीट है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। और